पकड़ा गया है, क्या क्या एनिमेशन के पास रिकवर किए गए हैं? इसमें 12 फरवरी को हमने एक अर्ली इन द मॉर्निंग एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसमें डोडा पुलिस थी, आर्मी 10 RR, 33 बटालियन CRPF और 7 बटालियन SSB। ये जॉइंट ऑपरेशन था ड्यूरिंग कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन। जब घर की सर्च की तो एक फिरदौस अहमद नटनू, सन ऑफ गुलाम अहमद नटनू, रेजिडेंट ऑफ बखरियान, इसके घर में से 3 चाइनीज़ पिस्टल, 5 चाइनीज़ मैगजीन, 1 साइलेंसर और 15 राउंड्स रिकवर किए गए। इसके लिए यहाँ पे डोडा पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर हो गई है, FIR नंबर 44/2021 अंडर सेक्शन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट एंड अदर सेक्शंस ऑफ IPC। ये पहली बार हुआ है कि हमें यहाँ पे जो पिस्टल रिकवर हुआ है वो अलॉन्ग विद साइलेंसर हुआ है। मोस्टली साइलेंसर किसी टारगेट किलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इस जब ये लग जाता है तो पिस्टल के फायर की आवाज़ बहुत कम आती है। तो अभी हमारा केस बड़ा इनिशियल स्टेज पे है, इसमें मजीद तफ्तीश चल रही है, अब फर्दर क्या निकलता है वो टाइम। ऐसे कब से एक्टिव था? जो इनिशियल में पता चला हमें, ये तकरीबन पिछले 7-8 महीने से एक्टिव था। कोई मिसिंग रिपोर्ट इसकी थी आज से पहले की? नहीं, इसकी मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। ये कहाँ से, घर से पकड़ा आपने कि बाहर से कहीं से पकड़ा? ना, ये अपने घर में था। सर, ये करता क्या था ये लड़का और क्या एज थी इसकी, क्या नाम? इसकी एज 26 ईयर्स है और ये कश्मीर में इसमें जर्नलिज्म में PG कर रहा था। तो इससे बात होने के बाद क्या रेगुलर PG कर रहा था वहाँ से या डिस्टेंस से कर रहा था? ये ये टू बी क्लियर। तो इसने कुछ और भी नाम दिए हैं? नहीं, अभी हमारे पास जो नाम आया सिर्फ इसी का आया है। अब मजीद तफ्तीश में जो फर्दर लिंक्स आते हैं वो क्या है, वो अभी एक्टिव था। जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पता चला है ये पिछले 7 महीने से एक्टिव था। और सामान क्या क्या पकड़ा गया है इससे? सामान 3 चाइनीज़ पिस्टल, 5 चाइनीज़ मैगजीन, 1 साइलेंसर, 15 राउंड्स। सर, आपने कहा कि पहली बार इस तरह से साइलेंसर पिस्टल मिली है, कोई टारगेट पे थे, कोई नाम वगैरह इसके पास मिले किसी? अभी वो नहीं, दैट इज़ टू बी क्लियर। मैंने बोला मोस्टली कि जो साइलेंसर है ये टारगेट किलिंग के लिए, क्योंकि जब पिस्टल से बड़े करीब से फायर करते हैं तो आवाज़ बहुत कम आती है।